आप देख रहे हैं यह राजधानी रांची के जो है जैन समुदाय द्वारा जो है ये सारे महिला जागृति मोर्चा रांची की ओर से जो है तमाम कपड़े और स्कूल ड्रेसेस और स्कूल के किताब कॉपी का वितरण कम मूल्यों पर किया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो है तमाम जो है गरीब लोग जो है यहाँ पर ज़रूरतमंद लोग अपना अपना पर्ची लेकर सामान ले रहे हैं। क्या कुछ दे रहे हैं आप लोग? हम लोग सेल लगा रहे हैं, 10 रुपए में कोई भी चीज ले जाएं आप। क्या क्या इसमें? है इसमें बर्तन है, क्रॉकरी है, सॉरी इसमें बर्तन है, क्रॉकरी है, सारे कपड़े हैं, वूलन है, बेडशीट है, सोफा कवर है, पर्दा है, कर्टन है, और बच्चे लोग के खिलौने हैं, यूनिफॉर्म। हाँ, हर साल रहता है, हम लोग का साल में एक बार लगता है। हर जैन महिला जागृति की तरफ से जैन समृद्धि सेल करके होता है। इसमें 10 रुपए का एक कूपन होता है, 10 रुपए में आप कोई भी सामान ले सकते हैं। हर मेंबर को 5 कूपन दिया जाता है, 5 कूपन में आप 5 सामान लेके जा सकते हैं। आज एक दिन का है ये? सिर्फ एक ही दिन का रहता है। एक दिन में हम लोग का सुबह 11 बजे से 4 बजे तक का लगेगा। ये कितने बजे तक चलेगा? ये शाम के 4 बजे तक चलेगा भैया। हाँ, पूरा दिन का। क्या नाम हुआ? ये पूजा काला। तो देखिए एक दिन का जो है ये मेला लगा है, और जिसमें कि 10 रुपये का 5 कूपन एक व्यक्ति ले सकते हैं, और 10 रुपये में जो है कोई सा सामान आप जो है ले सकते हैं। देख सकते हैं कई सारी महिलाएं जो हैं कूपन से सभी सामान ले रहे हैं। स्कूल के बच्चे को ड्रेस रखा हुआ है। बच्चे के लिए ले रहे हैं क्या? हाँ, बच्चे के लिए ले रहे हैं। बच्चों के लिए ज़्यादा कपड़े का खरीदारी किया जा रहा है ठंड मौसम में। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर जो है भीड़ और लोग जो है लेने के लिए सामान जो है ले रहे। क्या दे रहे हैं? जागृति की तरफ से आज हम लोग सेल लगाए हैं। ये सेल बहुत अच्छे कपड़े से निकली हुई है। हर उम्र के बच्चे की अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, तो आए और सब अपना अच्छा सामान लेके जाए। थैंक यू। देखिए हर कुछ का जो है ये लगा हुआ है, साड़ी, घर का सामान, कुर्ती, लेडीज सलवार, नाइटी, खिलौने भी देखिए किस तरीके से बच्चों के लिए यहाँ पर वितरण किया जा रहा है। और काफी चारों तरफ जो है आप देख सकते तस्वीरों के माध्यम से कि लूट मची हुई है। क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर, इस मेले को लेकर जैन महिला जागृति रांची की तरफ से, यह भी देखिए। देखिए हमारी कोशिश है कि हम हर साल इस कार्यक्रम को करें, और लोगों को कपड़े के अलावा और भी बहुत सारे यूटेंसिल है जो हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप बोलिए तो गैस है, माइक्रो मिक्सी है, बर्तन है, यूटेंसिल जितने अटैची है, बैग है, चप्पल है, जूते हैं, जैकेट वगैरह सारे चीज़ हम यहाँ देते हैं। हमारा मकसद ये होता है यहाँ पर देने का कि इनके स्वाभिमान को ठेस ना पहुँचे, इसीलिए कम कीमत मात्र 10 रुपये में एक सामान और एक व्यक्ति को 5 कूपन 5 सामान दिया जाता है। वो अपनी स्वेच्छा से सारे सामान ले जा सकते हैं। ये हमारी जैन महिला जागृति के सारे कार्यकर्ता लोग और सारे लोग मिलकर इस काम को क्रियान्वित करते हैं, और सबका सहयोग से ये काम बहुत आगे बढ़ता है। ये हमारा प्रोग्राम 9:30 से स्टार्ट हो गया था, और हर 10 मिनट में 50-50 करके जेंट्स और लेडीज को बुला रहे हैं, और उनको कूपन के देकर के यानी दे रहे हैं, और कम से कम 500 कंबल हम लोगों ने 10 रुपया करके 500 कंबल भी दिया है। ये जैन समाज की तरफ से इतना अच्छा सुंदर काम हो रहा है, और ये पूरा का पूरा जैन महिला जो विंग है हमारी जैन महिला जागृति करके उनके सोचने से यानी उनके साथ ही हो रहा है। बहुत ही अच्छा यानी काम हो रहा है, बहुत लोग खुश होकर के जा रहे हैं। बहुत बहुत यानी हमारी महिला विंग को, हमारे जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और यह काम इस तरह बराबर फ्यूचर में भी इसी तरह करते रहेंगे। परीक्षा बता आधा घंटा हो गया, एक घंटा से परे हो गया है। क्या सब लेने आया है, क्या मिलेगा पता है? अब क्या मिलेगा पता नहीं, आया है सुने जो मिल रहा है सेल लगा हुआ है इसीलिए। अच्छा नहीं अभी रे आया क्या वो तो मिल रहा होगा, देखते हैं क्या लेके जा रहे हैं। अभी तो नहीं, अभी तो देख रहा है कपड़ा उपड़ा देख रहा है। कितना जरूरत रहा है ठंडा में आप लोग? बहुत चीज का जरूरत रहता है, स्वेटर का, जैकेट का, बच्चा लोग का पैजामा है, टोपी है, ये सब का जरूरत है। हाँ, अब हम लोग गरीब आदमी है तो महंगा खरीद के कहाँ से लाने सकेंगे बच्चा लोग को इसीलिए। हाँ, मैं ही पहाड़ी मस्जिद के नीचे से आए हैं, कोसीला। कहाँ से आए हैं? पहाड़ी मंदिर से। उर्मिला कुमारी। क्या लेने आए? कपड़ा बच्चा का। ठंडा में कितना जरूरत है कपड़ा का? 6-7 था लेंगे, उससे ज्यादा भी ले सकते हैं। क्या फ्री में मिलेगा? नहीं, फ्री में नहीं मिलेगा।
जितना पैसा लेगा उसको नहीं पता है उसको। आधा घंटा हो गया। हर साल आते हैं। पाँच पाँच क्या क्या लिए? टी शर्ट बंडी जींस। क्या फ्री में की? कुछ पैसा भी देना? फ्री में देगा जी। कितना पैसा देगा? पचास पर पीस। एक गो का दस, पाँच गो का पचास, दस रुपये में कपड़ा मिल गया ना। सेकेंड हैंड माल दे रहा है। सस्ता मिलेगा क्या? सेकेंड हैंड मिल रहा है। सेकेंड हैंड मिल रहा है। ठंडा में कितना जरूरत है कपड़ा का? बहुत जरूरत है। क्या साइज वगैरह भी सही? नहीं साइज कुछ नहीं है, साइज अपना अच्छे से लेना है। फिटिंग कराना होगा। हाँ कहाँ से है लोग? तो कहाँ से आए? क्या नाम? शशि कुमार।